चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट श्रीलंका रिकवरी द सिग्निफिकेंस ऑफ द इंडिया सपोर्ट। जैसा कि हम देख रहे थे श्रीलंका में काफ़ी क्राइसिस आया था, इकोनॉमिक क्राइसिस, और ये चीज़ें रिकवरी होना काफ़ी ज़रूरी है। जैसे पाकिस्तान में भी अभी क्राइसिस आया हुआ है, तो इंडिया के जो पड़ोसी देश अगर उनमें क्राइसिस आया हुआ है तो उसके केस में इंडिया में भी दिक्कत आती है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। श्रीलंकन प्रेसिडेंट ने अनाउंस किया है जो कंट्री हैड द क्लियर लास्ट हर्डल टू बी अप्रूव फॉर 2.9 बिलियन बेल आउट फ्रॉम द IMF। सो इंडियन मॉनिटरी फंड है, वहाँ से बेल आउट ले रहे हैं लोग 2.5 मिलियन डॉलर्स की। और इसी केस में क्या बैकग्राउंड है, जो कंट्री हैज़ बीन रीलिंग फ्रॉम द कोविड क्राइसिस इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट बाय द राजपक्सी रिजाइन एंड द माउंटिंग डेट्स। बेसिकली क्या हुआ था, सबसे पहले कोविड क्राइसिस आया था, फिर इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट हो गया था इन्होंने जो किया था, उसकी वजह से डेट काफ़ी सारा लिया था जिसकी वजह से इनका इन्फ्लेशन बढ़ गया था वहाँ पे। मतलब पानी भी 200-300 रुपए का मिल रहा था, और जो GDP एक्सपोर्ट कोलैप्स हो गया जिसकी वजह से GDP और आपकी एक्सपोर्ट से बिल्कुल कोलैप्स हो गए थे, और जो करेंसी भी कोलैप्स हो गई। अब IMF की बेल आउट क्या है श्रीलंका के लिए, सो ये क्या होता है, काफ़ी सारी क्रेडिट वर्दीनेस लेके आती है पूरे पूरे सिस्टम्स के लिए और कॉन्फिडेंस के लिए। जो अदर एजेंसीज हैं लाइक वर्ल्ड बैंक, AIIB, ADB, इन्होंने लाइन अप कर लिए हैं फंड्स इसी चीज़ में आने के लिए, मतलब IMF को सपोर्ट देने के लिए। जो डेट है वो ज़्यादा सुटेबल हो गई है, एक्सेस है कैपिटल मार्केट्स की, वो स्टेबलाइज करने लगा है इकोनॉमी को। अब हाउ द इंडिया सपोर्टेड इट्स नेबर, इंडिया कैसे सपोर्ट करेगा अपने नेबर को, अब इंडिया कैसे सपोर्ट करेगा अपने नेबर को। सो चाइना को देखें तो इंडिया का सपोर्ट है, अनकंडीशनल है और ज़्यादा प्रोमिनेंटली है। इंडिया सपोर्ट करता है श्रीलंका को इस टाइम पे, जिसमें इंक्लूड है आपके शिपमेंट ऑफ ग्रेन, फ्यूल एंड एसेंशियल मेडिसिन्स, क्रेडिट लाइंस, डेट पेमेंट, डेट रिपेमेंट रिलीफ और सपोर्ट एट द IMF टू वर्क ऑन द बेल आउट पैकेज। सपोर्ट करता है G20 और BIMSTEC को भी ये। अब ये चीज़ें देखी जा सकती हैं कि कैसे श्रीलंका रिस्पोंड करेगा इंडिया के सपोर्ट को। तो इंडिया हैड द रैली कम टू अवर रेस्क्यू, बेसिकली इंडिया में रेस्क्यू अभी हो रहा है और इंडिया ने रेस्क्यू में काफ़ी मदद भी की थी। इंडिया हैड प्रोवाइडेड टू द श्रीलंका एज अ लाइफ लाइन, मतलब काफ़ी सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड किए थे, और उन्होंने अलाउ भी किया था कि आप इस डिफिकल्ट टाइम में इनके रिगार्डिंग आप यहाँ पे काम कर सकते हो। तो ये चीज़ श्रीलंका के मिनिस्टर ने बोला है अपने स्पीच में, और इसी स्पीच में वुमेन डे पे श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने ये बोला है कि थैंक द थ्री वुमेन, तीन वुमेन्स को बोला है, निर्मला सीतारमण, जेनेट वेलन और क्रिस्टेनिला जॉर्जिवा फॉर हेल्पिंग द श्रीलंका। श्रीलंका इज लुकिंग फॉर द मोर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इंडिया, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहा है इंडिया से, IT में, फार्मास्यूटिकल्स में, एनर्जी सेक्टर में और एजुकेशन में। चैलेंजेस क्या हैं अब आगे, जैसे इंडिया के लिए क्या चैलेंजेस हैं, जो कंट्रोवर्सी है अडानी प्रोजेक्ट्स पे श्रीलंका के अंदर वो भी देखी जा सकती है। जैसे दो विंड पावर प्लांट्स हैं मन्नार में और पोनेरान एरियाज में नॉर्थन श्रीलंका के, जिसमें आपके वेस्ट कंटेनर्स हैं, टर्मिनल्स हैं कोलंबो पोर्ट पे, जो अपोजिशन है वो रेज करता है इशू मैनर ऑफ चूजिंग द कंपनी श्रीलंका में, जैसे श्रीलंका बैलेंस करता है इट्स टाइज विद चाइनाज एंड इंडिया। तो श्रीलंका क्या है, वेरी क्लोज फ्रेंड है इंडिया का, और इंडिया की सिक्योरिटी कंसर्न्स को भी बेसिकली हार्ट नहीं कर रहे उस केस में। सिमिलरली जो श्रीलंका है वो इंडियंस के साथ भी वर्क करना चाहता है और चाइनीज के साथ भी और दूसरे लोगों के साथ भी। तो जो क्राइसिस है वो एक गुड एग्जाम्पल हो सकता है इस रीज़न के, और ये बेसिकली जो ज़्यादा सेंसिटिव है नेबर्स के लिए भी, क्योंकि वो हर तरफ देख रहे हैं। तो मे बी कल को सिचुएशन आए कि चाइना से फंडिंग पाके श्रीलंका हमारे खिलाफ ये चीज़ें करें, तो कॉन्ट्रोवर्शियल मुद्दा भी हो सकता है। सब्सक्राइब कर लो चैनल यार, लाइक कर लो वीडियो।